वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान लो। आज हम बात करेंगे बेसिस के बारे में कि बेसिस क्या होते हैं, किसके बारे में, बेसिस के बारे में। देखिए, सबसे पहले जो बेसिस की डेफिनेशन है, वो सब्सटेंस जो बिटर इन टेस्ट होते हैं, बिटर मतलब कड़वे, बिटर इन टेस्ट होते हैं, वो क्या होते हैं, बेसिस होते हैं। और क्या होता है, इनका सोपी टच होता है, सोपी टच होता है, यानी कि जब हम इन्हें टच करते हैं तो सोप की फॉर्म में होते हैं। दूसरा, ये एक और क्या होते हैं, बेस, ये करते हैं अगर किसी भी बेस में रेड लिटमस सॉल्यूशन डालें, रेड लिटमस सॉल्यूशन डालें, तो वो ब्लू कलर के हो जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने एक टेस्ट ट्यूब ली है, इसमें हमने एक बेसिक सॉल्यूशन लिया है, बेसिक सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन लिया है, कोई भी बेसिक सॉल्यूशन है। हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, एमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, कॉपर ऑक्साइड CuO, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ये सारे हमारे क्या है, बेसिस हैं। एसिड्स में H पॉजिटिव आयंस होते हैं, बेसिस में OH नेगेटिव आयंस होते हैं। ठीक है, अगर हमने बेसिक सॉल्यूशन लिया है और इसमें हमने एक रेड लिटमस सॉल्यूशन डाल दिया है, ठीक है, रेड ये जो हमारा इंडिकेटर होगा, रेड लिटमस डाल दिया है, तो क्या होगा, जब हम इसमें रेड लिटमस डालेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाता है और ये रेड लिटमस डालने से ये ब्लू कलर का हो जाएगा। तो ये जो है, ये क्या होगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। तो ये बेसिक की प्रॉपर्टीज होती है, जब किसी भी बेस में रेड लिटमस डालते हैं तो वो टर्न होके ब्लू कलर के हो जाते हैं। ठीक है, ये होते हैं हमारे बेसिस और ये हमारे कुछ बेसिस हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, जैसे हमने एसिड्स में किया था, हमने कुछ बेसिक लिए हैं, बेसिस लिए हैं, जैसे कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब ये हमने इंडिकेटर्स लिए हैं, ये क्या है, ब्लू लिथमस, रेड लिथमस, फिनोफ्लुथीन, मिथाइल ऑरेंज, वैसे ही जैसे हमने पहले एसिड्स में लिए थे, सेम वैसे ही लिए हैं। अब देखिए, जब किसी भी बेस में ब्लू लिथमस डालते हैं तो वो क्या रहता है, ब्लू कलर का ही रहता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आता। ठीक है, यानी किसी भी बेस में अगर ब्लू लिथमस सॉल्यूशन डालते हैं तो वो ब्लू कलर का ही रहता है, लेकिन अगर रेड लिथमस डालते हैं तो वो ब्लू कलर का हो जाता है, अगर रेड लिथमस डालते हैं तो वो ब्लू कलर के हो जाएंगे, कोई भी बेस है वो ब्लू कलर के हो जाएंगे। अगर बेस में फिनोफ्लुथीन डालते हैं तो वो पिंक कलर के हो जाते हैं, पिंक कलर के हो जाते हैं, जबकि एसिड में अगर फिनोफ्लुथीन डालते हैं ना तो कलरलेस रहते हैं। अगर किसी भी बेस में मिथाइल ऑरेंज डाल देते हैं तो वो येलो कलर के हो जाते हैं, सारे बेस येलो कलर के हो जाते हैं, जबकि अगर किसी एसिड में मिथाइल ऑरेंज डालते हैं तो वो पिंक कलर के हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये जो है, ये एसिड और बेसिस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि इसकी जो बेसिस जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, एक तो क्या होता है, कलर चेंज होता है, अगर रेड लिटमस सॉल्यूशन डालते हैं किसी भी बेस में तो वो ब्लू कलर का हो जाता है, एक तो ये है, ये येलो कलर कंटेन करता है अगर उस मिथाइल ऑरेंज डालते हैं किसी भी बेस में, अगर किसी भी बेस में फिनोफ्लुथीन डालते हैं तो वो पिंक कलर का हो जाएगा, लेकिन अगर ब्लू लिटमस डालते हैं ना तो वो सेम, कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा, ब्लू कलर का ही रहेगा। तो ये बेसिस होते हैं और बेसिस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से हम अपनी बेसिस को रिप्रेजेंट करेंगे। और देखिए, ये जो है, ये सारे हमारे इंडिकेटर्स हैं, ब्लू लिथमस, रेड लिथमस, फिनोफ्लुथीन, मिथाइल ऑरेंज, ये इंडिकेटर्स हैं, इनको डालने से हमें पता लगता है कि कलर में चेंजमेंट आ रहा है नहीं, कलर में चेंजमेंट आ रहा है तो क्या चेंजमेंट आ रहा है, और उससे पता लगता है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस है। लेबोरेटरी में इसे डाला, टेस्ट ट्यूब में हमने कुछ ड्रॉप्स डाली बेस में किसकी, रेड लिथमस की, तो वो ब्लू कलर का हो गया। ठीक है ना, तो ये क्या इंडिकेटर है जो इंडिकेट करते हैं। ठीक है, लिथमस, फिलोफ्लिन, मिथाइल ऑरेंज, ये सारे इंडिकेटर्स होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।